ओसीडी के टाइप्स, आज के वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय जैन, साइकियाट्रिस्ट, जैन न्यूरोसाइकियाट्रिक एंड डी एडिक्शन क्लिनिक जयपुर में एज ए कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट काम करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, ओसीडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थॉट्स आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दूसरे टाइप्स के थॉट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि भगवान या परिवार के लोगों के लिए गंदे विचार या सेक्सुअल थॉट्स आना, ये एक बहुत ही कॉमन टाइप का ओसीडी है। इसमें इंसान को भगवान को लेकर या अपने परिवार के लोगों को लेकर, स्पेशली मदर या क्लोज रिलेटिव्स जो होते हैं उनको लेकर सेक्सुअल थॉट्स आने लग जाते हैं। सेक्सुअल थॉट्स के अलावा उनको इमेजेस भी नजर आने लग जाती है। जो इमेजेस, पिक्चर्स नजर आती है वो भी सेक्सुअल इमेजेस होती है, नेकेड इमेजेस होती है, भगवान को लेके या पेरेंट्स को लेके या अपने बच्चों को लेके इस तरह के थॉट्स या इमेजेस आनी शुरू हो जाती है। कई बार पेशेंट को इस तरह के थॉट्स भी आते हैं कि वो भगवान के ऊपर पेशाब कर दे या लेटरिंग कर दे। क्योंकि ये थॉट्स बिल्कुल इरेशनल होते हैं, सेंसलेस होते हैं, यूजलेस होते हैं और पेशेंट की विश के अगेंस्ट आ रहे होते हैं। उसको पता होता है कि ऐसी कोई विचार वो नहीं चाहता है, उसके बावजूद भी विचार रिपीटेडली उसके दिमाग में आते रहते हैं, तो ये बहुत ही परेशान करते हैं उसको। उसको गिल्ट फीलिंग होने लग जाती है, उसको लगता है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को लेके या भगवान को लेके ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, जबकि ये चीज उसके कंट्रोल में नहीं होती है। और ये थॉट्स इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं उसके ऊपर कि उसको गिल्ट फीलिंग होने लग जाती है, उसको डिप्रेशन की फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट तो डिप्रेशन में चले भी जाते हैं। और इन विचारों की वजह से कुछ पेशेंट्स तो सुसाइड तक कर लेते हैं, वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते इस तरह के थॉट्स के बारे में। जब ये थॉट्स बहुत ज्यादा हावी होते हैं तो वो कंपल्शन करना शुरू करते हैं, जिसमें वो माफी मांगना शुरू करते हैं, मन ही मन में भगवान से माफी मांगते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम लेते हैं, उनसे माफी मांगते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहां जाके आरती करते हैं, भजन करते हैं, माफी मांगते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज वो कंटिन्यूसली करते हैं, जिससे उनको लगता है कि वो अपने थॉट्स को कम कर पा रहे हैं। क्योंकि ये थॉट्स बार-बार उसके दिमाग में आते रहते हैं और वो चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो, ये विचार अचानक से आते हैं और उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी काम नहीं कर पाता है और सारे दिन पूरा टाइम इसी में वेस्ट करता रहता है। उसको पता भी नहीं होता कि एक बीमारी है जिसकी वजह से ये थॉट्स आ रहे हैं, वो अपने आप को ही दोषी मानता रहता है। इसी तरह के और भी थॉट्स होते हैं ओसीडी में। अगले वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप का ओसीडी जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के थॉट्स होते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। नमस्कार।